नमस्कार दोस्तों, मिरेकल्स ऑफ कृष्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त तनु कात्यायनी गुप्ता। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूंगी कि बहुत टाइम से वीडियो नहीं बनाई, वीडियो अपलोड नहीं की। मेल में भी मुझसे बहुत लोगों ने ये शिकायत की है, कमेंट्स में भी कहा है, तो आई एम सो सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। कुछ पेंडिंग वर्क थे जो कम्प्लीट करने थे, अभी भी है, बट मैंने वीडियो के लिए टाइम निकाल लिया है। इसी तरह से टाइम निकाल के वीडियोस अपलोड करती रहूँगी, सो आई एम सॉरी अगेन। तो आगे बढ़ाते हैं वीडियो को, और आज का टॉपिक एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, और जो मुझे लगता है, जो मैं फील करती हूँ, उसके बारे में मैंने इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हम सबकी। बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसे, और मुझे ऐसा फील भी होता है, तो क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं। बट फ्रेंड्स, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आज का टॉपिक है डोंट शेयर योर विशेज विद एनीवन। किसी के साथ अपनी जो इच्छाएं हैं, विशेज हैं, शेयर मत करें। इससे क्या, क्यों मैं ऐसे मना कर रही हूँ, क्यों नहीं करनी चाहिए? फ्रेंड्स, हम अपनी मन की बात, हम अपनी विशेज किसी और से कह रहे हैं, हमें नहीं पता उसके माइंड में क्या चल रहा है। हम किसी को ब्लेम भी नहीं कर रहे कि वो अच्छा नहीं है, सब अच्छे हैं, गॉड ने सबको अच्छा बनाया है, वी ऑल आर गुड। बट एनर्जीज जो होती है ना, जो हमारे आसपास होती हैं, वो हमें नहीं पता कि किस तरह की एनर्जीज हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। और हम अपनी विशेज बता रहे हैं, हम अपनी बात शेयर कर रहे हैं, और हमारे आसपास कैसा एटमॉस्फेयर है, क्या है एनर्जी, वो हमें उसके बारे में नहीं पता होता। तो क्या होता है कि जब हम अपनी विश के बारे में बता रहे होते हैं, तो वो अट्रैक्ट करती हैं उस विश को पूरा होने में, उस काम को पूरा होने में वो कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं कि वो पूरी नहीं हो पाती। और फिर हम सोचते कि हमने तो ये सब चीज़ें की थी, हमारी विश पूरी नहीं हुई। तो हमें अपने विशेज को ना अपने तक रखना है, जो भी आपके विशेज हैं अपने तक रखिए, किसी को मत बताइए। जब विशेज पूरी हो जाएं तो आप शेयर कर सकते हो, आप अपनों से, अपने फ्रेंड से, किसी से भी आप शेयर कर सकते हो, बता सकते हो कि ये चीज़ मैंने मन्नत मांगी थी, मैंने ये किया है तो मेरी ये पूरी हुई। इससे क्या होता है कि दूसरे भी मोटिवेट होते हैं, वो भी करेंगे। बट जब तक आपकी विशेज पूरी ना हो, आप किसी से मत करिए। जो आप काम कर रहे हैं, बस कुछ टाइम के लिए उसको हाइड करके करिए, अपने तक रखिए। जब हम कोई काम सीक्रेटली करते हैं, बिल्कुल चुपके से करते हैं, कहते हैं ना कि कुछ तो बहुत अच्छा सा बन जाता है, तो इसको हाइड करके आप काम करिए, एफर्ट्स करिए। और ईवल आए तो आप जानते ही हैं, बुरी नज़र, वो सेम थिंग है कि नेगेटिव एनर्जी है, ये सब चीज़ें हमारे काम में रुकावट डालती हैं, और उसको पूरा, वो पूरा नहीं चाहती कि वो काम पूरा हो। तो फिर लोग पूछते हैं कि हमारे, हम लोग एक साल से कर रहे हैं, इतने टाइम हो गया, हमें अब तक रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। कई बार ऐसे होता है कि हमारे साथ, इसलिए हमारी प्रॉब्लम्स जो बीच बीच में आ जाती हैं, उन विशेस को पूरा होने में कभी कभी लगता है कि होने वाली है विश कम्प्लीट, सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया, बट फिर कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो इन्हीं एनर्जीज़ की वजह से होता है। हम तो बता देते हैं खुश होकर कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, बट हमें नहीं पता कि सामने वाले के माइंड में उस वक्त क्या चल रहा है, और वो एनर्जी हमारा कितना बड़ा नुकसान कर रही है। तो आई होप कि आप आगे से अपने तक रखिए, अपनी विशेज के बारे में खुद सोचिए, खुद उसके बारे में जो एफर्ट लेने हैं, क्या करना है, क्या जो आपको ठीक लगता है वो करिए, बट आप किसी से शेयर ना करें, वो ज़्यादा बेटर होगा। करके देखिए इसमें करने में क्या जाता है। जब हम कुछ नहीं करते, वैसे ही है, करेंगे तो एक होप तो रहती है कि मे बी हमारी लाइफ चेंज हो जाए, हम अच्छे, हमारी विशेज कंप्लीट हो जाए, सब चीज़ें एक होप से ही हैं। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ आप लोगों को। तो अब मैंने बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई हूँ इन चीज़ों को लेके। जब मैं, एक दिन बहुत बार हुआ है मेरे साथ, जब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी विशेज पूरी होने वाली है, कुछ अच्छा अच्छा होता है, और जब मैं बिल्कुल इस विश को सोच लेती हूँ कि हाँ मेरी विश पूरी होने वाली है, उसमें सब कुछ अच्छा हो रहा है, जैसे ही वो टाइम आता है, बिल्कुल लगता है कि हाँ अब ये पूरी हो जाएगी, तभी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। वो क्यों आती है? क्योंकि मैं अपने 10 लोगों को बता देती,
फ्रेंड्स को बता देती थी मैं ये काम कर रही हूँ और लोगों को बता देती थी, तो क्या होता है उसमें पता नहीं क्या सोचते हैं कुछ लोग, मुझसे मेरी विशेज में लड़ाई भी कर लेते थे, अरे इसको ऐसा नहीं, इसको ऐसा करो, ये करोगे तो क्या होगा। तो क्या होता है ना कि चारों ओर से आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के रिप्लाई भी मिलते हैं, एनर्जीज भी अट्रैक्ट करते हैं हम लोग, तो दिक्कतें आती हैं। तो अगर हम इन सबको अवॉइड करेंगे, अपनी विशेज अपने तक रखेंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि उसको देर लगेगी कंप्लीट होने में। फिर मैंने स्टॉप कर दिया, मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं क्यों बताऊँ किसी को, अपने तक रखनी चाहिए उन विशेज को जो ज़्यादा आपकी, बिल्कुल हर विश किसी के सामने नहीं कही जाती। आप क्या बनना चाहते हो ये तो आप बता सकते हो, बट आप क्या क्या कर रहे हो उसके लिए या आप क्या उपाय कर रहे हो वो अगर आप बताएंगे तो क्या पता ईवल आए आपको नुकसान पहुंचा दे, उस काम को करने से आपको रोक दे, तो आपको तो खुद ही अलर्ट रहना पड़ेगा। तो आप करके देखिए, अपने विशेज ना बताएं और अच्छे से उस पर कॉन्सेंट्रेट के साथ एफर्ट करिए, आपकी विश जरूर पूरी होगी। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी ही वीडियो अपलोड करूँगी नेक्स्ट। और आप सब अपना ध्यान रखें, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ, बाय बाय।